साल 2020 खत्म होने वाला है। इस साल कई सारी फिल्में रिलीज हुई। जाहिर है कोरोना की वजह से कई फिल्में बड़े पर्दे तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपके TV, लैपटॉप और फोन तक तो पहुंची ही। खैर, तो अब वक्त आ गया है ईयर एंडर्स का। अब तक आपने कई सारी ऐसी लिस्ट देख ली होंगी कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में कौन सी रहीं, सबसे बढ़िया गाने कौन से रहे, वगैरह वगैरह। हम भी आपके सामने एक लिस्ट पेश कर रहे हैं थोड़ी हटके। इससे आपको 2020 की उन फिल्मों के बारे में पता चलेगा जो मनोरंजन के साथ साथ आपको तगड़ा मैसेज भी देती हैं। तो वो सात फिल्में ये रहीं। पहली फिल्म है बुलबुल। इसकी कास्ट में है तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, राहुल बोस, पाउली दाम, परमव्रता चटर्जी। डायरेक्टर हैं अन्विता दत्त। ये फिल्म 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। बुलबुल हमें यही बताती है कि कैसे अपनी मर्जी के मुताबिक जीने वाली औरतों की चुड़ैल जैसे शब्दों से लेबलिंग कर दी जाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि एक लड़की जिसकी बचपन में शादी करवा दी जाती है, वो समाज के बने बनाए ढांचे से अलग जाने की कोशिश करती है, लेकिन आदमियों के दबदबे वाला समाज उसे जीने नहीं देता और उसे इन चीज़ों से आगे नहीं जाने देता। उसके मन के साथ साथ शरीर पर भी गहरे जख्म दिए जाते हैं, रेप का शिकार भी होती है। इन सब के बाद भी उसे ये सिखाया जाता है कि चुप रहने में ही उसकी भलाई है, लेकिन लड़की चुप नहीं रहती। इन सारे अत्याचारों का बदला लेती है अपने तरीके से, अपनी जैसी बाकी औरतों पर हुए अत्याचारों का भी बदला लेती है। उसके बाद उसे लोग चुड़ैल पुकारने लगते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, जो लड़की या औरत सोसाइटी के बने बनाए खांचे में फिट नहीं बैठती, उसे चुड़ैल जैसे नाम दे दिए जाते हैं। दूसरी फिल्म है शुभ मंगल ज्यादा सावधान। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, जितेंद्र कुमार, गजराज राव, मीना गुप्ता, मनु ऋषि चड्डा और मानवी गगरू हैं। इनके डायरेक्टर हैं हितेश केवलिया। रिलीज डेट थी 21 फरवरी 2020। ये फिल्म यही मैसेज देती है कि हर किसी को अपना प्यार चुनने का पूरा हक है। प्यार प्यार होता है जो बस हो जाता है, जिसमें ना उम्र की सीमा होनी चाहिए ना जेंडर का कोई बंधन। फिल्म की कहानी यही कहती है। दो लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन घर वालों को जब इस बारे में पता चलता है तो बवाल होता है। समलैंगिकता उन्हें बीमारी लगती है, जिसे ठीक करने के लिए कई सारे तिकड़म अपनाए जाते हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि ये कोई बीमारी नहीं है, जिसे आखिर में किसी तरह घर वाले भी मान देते हैं और पूरे दिल से नहीं सही, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए इस रिश्ते को परमिशन दे देते हैं। मोटा माटी फिल्म यही कहती है कि समलैंगिक होना कोई बीमारी नहीं है, इसे टैबू बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है उसे वैसे रहने दिया जाए, खुलकर प्यार करने दिया जाए। तीसरी फिल्म है थप्पड़। कास्ट में है तापसी पन्नू, पावेल गुलाटी, दिया मिर्जा, कुमुद मिश्रा, रत्ना पाठक शाह, तन्वी आजमी। डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा। रिलीज डेट थी 28 फरवरी 2020। ये मैसेज देती है कि घरेलू हिंसा हर हाल में निंदनीय है, चाहे इसका स्वरूप कितना भी छोटा क्यों ना हो। घरेलू हिंसा के खिलाफ तभी आवाज उठा दो जब उसकी शुरुआत हो, फिर भले ही वो सिर्फ एक थप्पड़ ही क्यों ना हो। फिल्म की कहानी भी यही है। एक घरेलू औरत अपने पति की हर एक छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखती है, फिर एक दिन उसका पति उसे थप्पड़ मार देता है भरी पार्टी में। समाज की नजरों में सामान्य सा दिखने वाला एक थप्पड़ उस औरत की आत्मा को झकझोर कर रख देता है। वो अपने पति से अलग होने का फैसला कर लेती है। लोग उससे कहते हैं कि एक थप्पड़ ही तो है। जवाब में वो कहती है, उस एक थप्पड़ से मुझे वो सारी अनफेयर चीजें साफ साफ दिखाई देने लग गईं, जिन्हें मैं अनदेखा करके मूव ऑन करती जा रही थी। हमारी लिस्ट में चौथी फिल्म है छपाक। कास्ट में है दीपिका पादुकोण, विक्रांत मैसी, मधुरजीत सरगी। डायरेक्टर है मेघना गुलजार। रिलीज डेट थी 10 जनवरी 2020। एक एसिड अटैक सर्वाइवर अपनी जिंदगी को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए किस जद्दोजहद का सामना करती है, शरीर के साथ साथ मानसिक तौर पर इस अटैक का क्या असर होता है, इन सब की कहानी है छपाक। एसिड अटैक के खिलाफ जागरूकता लाने की कोशिश इस फिल्म ने की है। असल में ये फिल्म लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी पर बेस्ड है। फिल्म में लीड कैरेक्टर का नाम मालती है। उसके ऊपर एक दिन एक लड़का तेजाब फेंक देता है। उसके बाद मालती किस तरह कानूनी लड़ाई लड़ती है, बीमार मानसिकता से कैसे निपटती है, कैसे तेजाब की खुलेआम बिक्री के खिलाफ लड़ती है, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। सबसे अहम बात जिससे हर कोई कुछ सीख ले सकता है, वो ये है कि लाख मुसीबतों के बाद भी मालती अपनी लाइफ को दोबारा संवारती है। पांचवी फिल्म है चिंटू का बर्थडे। कास्ट है विनय पाठक, तिलोत्तमा शोम, वेदांत चिब्बर, बिशा चतुर्वेदी, सीमा पाहवा। डायरेक्टर है देवांशु सिंह, सत्यांशु सिंह। ये मूवी रिलीज हुई थी 5 जून 2020 को Zee5 पर। एक दूसरे से प्रेम और एक दूसरे की मदद करने का तगड़ा मैसेज देती है ये फिल्म। फिल्म की पूरी कहानी का सार यही है कि ये दुनिया प्यार से ही जीती जा सकती है।
कहानी है 5 साल की चिंटू की, जो अपने परिवार के साथ इराक में रहता है। बाहर बम गिर रहे होते हैं और परिवार घर पर चिंटू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। उसी दौरान अमेरिकी सैनिक घर में घुस आते हैं। चिंटू के पिता मदन का रोल कर रहे विनय पाठक इस तनाव वाले हालात में भी प्रेम से अमेरिकी सैनिकों से बात करते हैं और यही उनका हथियार बन जाता है। आखिर में इसी प्रेम की वजह से अमेरिकी सैनिक बिना जान का नुकसान पहुंचाए चले जाते हैं। छठी फिल्म है मी रक्सम। कास्ट में है अदिति सुबोदी, नसीरुद्दीन शाह, दानिश हुसैन और श्रद्धा कौल। डायरेक्टर है बाबा आजमी। रिलीज हुई थी 21 अगस्त 2020 को Z5 पर। ये फिल्म ये सीख देती है कि कला को किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, अपनी सोच को जात पात धर्म के भेदभाव से ऊपर उठाना चाहिए। कहानी है मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बाप बेटी की। बेटी भरतनाट्यम डांस सीखकर उसी में आगे करियर बनाना चाहती है। पिता इस फैसले को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सोसाइटी के लोग कई मुश्किलें पैदा करते हैं। सवाल करते हैं कि एक मुस्लिम लड़की भरतनाट्यम क्यों सीख रही है। ये भी सवाल करते हैं कि लड़की को डांस सीखने पहुंचा रहे हैं, यानी क्या तवायफ बनाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी लड़की और उसके पिता हिम्मत से काम लेते हैं, मुश्किलों से लड़ते हैं। हमारी लिस्ट में आखिरी नाम जिस फिल्म का है वो है डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे। कास्ट में है भूमि पेडनेकर, कोंकणा सेन, विक्रांत मैसी, आमिर बशीर और अमोल पराशर। डायरेक्टर हैं अलंकृता श्रीवास्तव। रिलीज हुई थी 4 अक्टूबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर। इस फिल्म में औरतों के सपने, उन सपनों की राह में चलने के दौरान आने वाली मुश्किलों पर बात की गई है। सोसाइटी की हिपोक्रेसी यानी पाखंड को भी सामने रखा गया है। दिखाया गया है कि जिस हरकत के लिए किसी आदमी पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता, उसी हरकत के लिए औरत को किस तरह कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इस फिल्म ने औरतों की सेक्स डिजायर पर भी बात की है। अमूमन ये मुद्दा मुश्किल से ही किसी फिल्म में दिखाया जाता है। फिल्म तो दूर की बात है, इस पर तो आपस में भी मुश्किल से ही बात की जाती है। कहानी दो बहनों की है, एक शादीशुदा होती है और दूसरी गांव से नई नई नोएडा आती है। दोनों के ही कई सारे सपने होते हैं, लेकिन उन्हें सच करने का रास्ता बड़ा कठिन होता है। इसी रास्ते में वो प्यार में पड़ती हैं, दिल टूटता है, सपने टूटते हैं, लेकिन किसी तरह दोनों ही खुद को संभाल कर आगे बढ़ती हैं। मैं हूं हर्षिता और आपके लिए लिस्ट बनाई थी हमारी साथी लालिमा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।